हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें आपको मेहनत और ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह की रेसिपी ना तो इसके अंदर आपको आटा लगाना है, ना आपको बेलना है, और फिर भी इतने सुपर सॉफ्ट और टेस्टी टेस्टी आपके लिए रेसिपी बन के आएगी। तो आप फ्रेंड्स इसे कंटिन्यू देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं, हम आपको इस रेसिपी की ओर लेकर के चाहते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। और जो जिनके पास समय नहीं होता वो इस तरह से रेसिपी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। तो यहाँ पर मैंने ली है कच्ची कैरी, तो कच्चा आम होता है ना, वो लिया है मैंने। तो मैंने यहाँ पर 3 कच्ची कैरी ली है, उसको मैंने कट कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल, और उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा। और जैसे ही जीरा थोड़ा सा गर्म होगा, तड़कने लगेगा, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हम इसमें पीली वाली राई डाल देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इन सब से। और इसके बाद में मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी काली वाली राई, और साथ ही में मैंने एक मोटी इलायची कूट के इसमें डाल दी है, अजवाइन डाल दी है, और एक लाल मिर्च इसके अंदर डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने डाली है हींग। इन सबको डाल देंगे हम अच्छे से, थोड़ा सा जब ये पक जाएंगे तब हम फ्रेंड्स चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो कैरी को वॉश किया था उस कैरी को हमें इसके अंदर डाल देना है। गैस का फ्लेम इस स्टेज पर लो कर देना है ताकि हम इसको अच्छे से पका सकें। उसके बाद में जब इसको डाल देंगे कैरी को, तो ये मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में गैस के फ्लेम को हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम कम किया था, वो बंद हो गया, और उसके बाद में मैंने इसको वापस चलाया है। तो ये देखिए मैंने सारी कैरियों को मिक्स कर लिया है। जो कच्ची कैरी थी, कच्चा आम था, उसको हमने इस तरह से बना लिया है। आज हम इस कैरी की बनाने वाले हैं लौंजी, लौंजी जो शादियों में अधिकतर मिलती है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर डाला है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और 1/2 छोटी चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर। अगर आप इसमें थोड़ा तीखा खाते हैं तो मिर्च को बढ़ा दीजिए। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसे हमें इसी स्टेज पे पकाना है। तब अगर मसाले जलने लगते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, ताकि आपके मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इस स्टेज पर गैस का फ्लेम जो है बहुत ही लो कर रखा था, इसलिए ये आराम से पक रहे हैं। अब जैसे ही हम इसके अंदर थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गुड़। मेरे पास थोड़ा सा जो गुड़ था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसको थोड़ा सा आप थैली के अंदर डाल के पॉलीथीन के अंदर, और हल्का सा प्रेस कर दीजिए बेलन से, तो ये इस तरह का हो जाएगा। और कुछ देर बाद जब हम इसको कढ़ाई में रखेंगे, तो कढ़ाई में गर्मी पा करके ये थोड़ा पिघल जाएगा। और इस स्टेज पर थोड़ा सा इसमें पानी डालिए, क्योंकि मसाले जल सकते हैं ना, इसलिए हमने इसमें 1/2 छोटा कप पानी का भी ऐड कर दिया है, और इसको गुड़ को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये गुड़ वाला जो है कैरी की मीठी चटनी पसंद नहीं आती है, तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं और चीनी की बना सकते हैं। अधिकतर इसको गुड़ की मीठी चटनी कहते हैं, और गाँव में और अधिकतर ऐसे कस्बों में इसको बोलते हैं लौंजी, कैरी की लौंजी। तो आप इसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बना के। ये देखिए अब इसमें गुड़ जैसे जैसे पिघलेगा, ये थोड़ा सा लिक्विड में होता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे ये गर्म होगा तो ये इस तरह से गाढ़ी होती जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमारी कैरी की बहुत ही सुपर टेस्टी चटनी बन के रेडी हो चुकी है, कैरी की मीठी चटनी, जिसे हम अधिकतर पराठे के साथ या पूड़ी के साथ सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तो हमारी बनके रेडी हो चुकी है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैंने इस कटर से मैंने बारीक बारीक प्याज और ये मटर, इसे भी मैंने कट कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ कैरी की चटनी मैंने बना ली है मीठी वाली। अब हम बनाने वाले हैं मटर के पराठे और आलू के पराठे, वो भी बिना आटा लगाए, बिना बेले, बहुत ही सुपर सॉफ्ट टेस्टी हमारे मटर और आलू के पराठे बनने वाले हैं। तो 2 तरह के पराठे बनाऊंगी मैं आपके लिए, और ये पराठे हम थोड़े से मसाले एक साथ ले लेंगे, जिसमें कुछ मसाले डालेंगे आलू के पराठे में और कुछ मसाले डालेंगे मटर के पराठे में।
तो यहाँ पर मटर को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हरी मिर्च ले लेते हैं, मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, इसको भी मैंने इसी तरह से बारीक कट कर लिया है। और मिर्च के बाद में थोड़ी सी लेंगे हम ऑरेंज वाली गाजर। फ्रेंड्स, ऑरेंज की गाजर यानी कि वेजेस से भरी हुई हो पराठा तो मज़ा ही कुछ और होगा। तो मटर के साथ हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे, मसालों से और वेजेस से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ले लिए कुछ वेजेस जिसके अंदर हरी मटर है, ऑरेंज वाली गाजर है, हरी मिर्च है, प्याज है, टमाटर और ये हरा धनिया है और आलू है। क्योंकि आलू के पराठे भी हम बनाने वाले हैं और मटर के पराठे बनाने वाले हैं। पराठे भी ऐसे जिसमें ना आपको आटा लगाना है ना आपको बेलना है। और यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सबको हम रखते हैं साइड में और पहले हम बनाना चालू करते हैं मटर का पराठा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच नॉर्मल आटा यानी कि रोटी बनाने वाला आटा हमने लिया है यहाँ पर। और इस आटे के अंदर हम डालेंगे अब जो वेजेस हमने कट करके रखी है ना, उन वेजेस को डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालने वाले हैं धनिया, जो कि हमने उसे भी बारीक कट करके रख रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ मसालों को बारीक कट करना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि हम इसको बेल करके नहीं बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच टमाटर। अब मटर का पराठा है तो सारी मटर इसी में जाएगी, तो मैंने यहाँ पर मटर थी वो मटर मैंने इसमें डाल दी। 1 चम्मच मैंने ऑरेंज वाली गाजर भी इसमें ऐड कर दी है और हरी मिर्च जो थी 1 चम्मच वो भी डाल दी है। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च और ले सकते हैं, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का यूज़ कम करें। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच प्याज, क्योंकि प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मटर के पराठे के अंदर इतनी सारी वेजेस जा रही है, और साथ ही में हम उसमें डालने वाले हैं अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च इतनी तीखी नहीं है इसीलिए मैं लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी हरी मिर्च तीखी हो तो लाल मिर्च कम यूज़ करें। यहाँ पर डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, इससे क्या है बहुत अच्छा कलर आता है। और साथ ही में हमने इसमें डाल दी है 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच हमने हींग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इन सब मसालों से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला दोनों मैंने इसके अंदर डाल दिए 1/4 चम्मच। तो इन सब मसालों को अब हमें क्या करना है, मिक्स करना है आटे के अंदर, और हमें आटा लगाना नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया आटा गूंथना ही नहीं है हमें, हमें सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है और इसका एक लिक्विड बनाना है। डो नहीं रेडी करना है, लिक्विड बनाना है। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, एक साथ पानी नहीं डालेंगे हम इसमें। तो मैंने इसमें पानी डाला है अभी 1/2 कप, यानी कि 1/2 छोटा गिलास, 1/2 कप नहीं 1/2 छोटा गिलास डाला है मैंने। अब उसको हम धीरे धीरे डालेंगे, यानी कि 1 गिलास पूरा इसमें पानी का लग जाएगा। तो ये हमारा बैटर बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पर एक तवा गरम किया है, उसके ऊपर हमने घी लगा दिया है। आप जो खाते हैं या ऑयल खाते हैं या जो भी ऑयल का यूज़ करते हैं या घी खाते हैं, बटर खाते हैं, आप उसे इसके अंदर लगा सकते हैं। अभी मैंने इसमें घी लगाया है। अब हम इसका बैटर का इस तरह से चम्मच भरेंगे एक और तवे के ऊपर डाल देंगे। अब इसके अंदर सारी वेजेस बहुत बारीक है इसलिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसको फैलाने में। और छोटे छोटे पराठे बनाएं, बड़े बनाएं, सभी तरह के बन जाएंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ का ही पराठा बनाया है, ज़्यादा ना बड़ा बनाया है ना ज़्यादा मैंने इसको छोटा किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे ऊपर ड्राई होता जाएगा। आप देख रहे हैं ये ऊपर से कितना ड्राई होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ड्राई होगा उसके बाद में हमें थोड़ा सा इसको चेक करना है, और उसके बाद में देखिए इसको मैंने एक बार पलटा से इसको थोड़ा सा चेक किया है कि छूटा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं आराम से ये छूट चुका है इस तरह से, और मैंने इसको पलटे की सहायता से इस तरह से पलट दिया है। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है। इसको दोनों तरफ से पलट दिया है मैंने, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है पराठे का, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर जैसे हम चाहते हैं। तो इस तरह से इसको पलटते हुए दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। आराम से पलटने में आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा प्रेस करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और ये पूरी तरह से सिक चुका है पराठा। मैं आपको इसको फिर से पलट के दिखाती हूँ दूसरी साइड से भी। ये देखिए दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मटर का पराठा था वेजेस भरा हुआ, वो कितनी आसानी से बन गया है। ना आपको आटा लगाना पड़ा, ना आपको बेलना पड़ा पराठे को, और कितना सुंदर और सुपर सॉफ्ट सा पराठा हमारा बन करके रेडी हो चुका है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पराठा बन गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। मैं आपको और पास से दिखाती हूँ कितना प्यारा कलर आया है, कितना सुंदर और अच्छे से सिक चुका है ये। तो इसे इसी तरह से बाकी के और पराठे हैं उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये दूसरा पराठा भी बना करके रेडी कर लिया है इसी तरह से। इसका भी कलर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आया है, गोल्डन कलर जैसा हमें चाहिए था, पक चुका है। तो यहाँ पर अब एक पराठा बन गया है, चलते हैं हम दूसरे पराठे को बनाने के लिए, यानी कि हमारा आलू का पराठा। तो यहाँ पर मैंने दो आलू बॉयल करके रख रखे हैं और इसको मैश कर दिया है। अब इसको हम एक बार और फॉक की सहायता से मैश कर देंगे। इसमें थोड़े थोड़े से अगर इसके अंदर लम्स रहते हैं, छोटे छोटे से इसके पीसेस रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हमें नहीं बेलना है। फिर भी ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनेगा, एक बार हमें इसको फॉक से अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको जो बॉयल आलू थे उनको अच्छे से मैश कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा धनिया पत्ती, जो भी मैंने बारीक कट करके रख रखा है। और इसको डालने के बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है प्याज, यानी कि एक चम्मच प्याज और ये दूसरा चम्मच प्याज, दो चम्मच मैंने प्याज का ऐड कर दिया है। और साथ ही में मैंने हरी मिर्च ली है, एक चम्मच हरी मिर्च का यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का यूज़ कम करें। अब मैंने यहाँ पर अदरक, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। एक चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है और ये गरम मसाला पाव भाजी मसाला है, मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला का यूज़ किया है। नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ताकि थोड़ा सा तीखा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और ये हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पराठे का। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं एक चम्मच जीरा। तो जीरे से क्या होगा, इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे लगेगा। और थोड़ा सा लेमन का जूस मैंने इसमें डाल दिया है, यानी कि नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच आटा, वही रोटी बनाते हैं वही आटा हमने इसके अंदर ऐड किया है। और उसे भी हमें अब क्या करना है, सारे मसालों को मिक्स करना है पानी डालते हुए, और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है इसमें भी, और सभी को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है पहले, और सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। फिर अभी मैंने आधा ग्लास ही पानी का ऐड किया है, और जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे ये अभी गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें पानी की ज़रूरत हमें और पड़ेगी। तो अभी इसमें और पानी डाल देती हूँ मैं। और पानी डालने के बाद में ये देखिए इस तरह से इतना पतला हमें इसको रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से रखना है हमें इसको। तो चलिए इसको भी लेके चलते हैं। तो यहाँ तवे के ऊपर फिर से मैंने घी लगा दिया है अच्छे से, हालांकि तवा अच्छे से पहले से ही गर्म था, ऑयल घी वगैरह इसमें लगा हुआ था, लेकिन और थोड़ा सा घी लगा दिया है मैंने। अब फिर से हम इसकी एक चम्मच भरेंगे और मसाले की, और इसमें डाल देंगे और इस तरह से इसको हल्के हाथ से फिर से फैला देंगे। ये देख सकते हैं आप, एक चम्मच हुई है, एक चम्मच और डाल देंगे हम इसके ऊपर, बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा ये। अब आप इसे अच्छे से फैला सकते हैं इस तरह से, इसका बड़ा पराठा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। आप देखिए ये भी इसी तरह से जैसे जैसे पकेगा वैसे ऊपर से ड्राई होता जाएगा। इसके अंदर आलू भी मिक्स है और कुछ वेजेस भी मिक्स है। तो ये देखिए आलू का पराठा, इसको पलट देते हैं दूसरी साइड से भी, और यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब आलू के पराठे को थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने, और जो मटर का पराठा था वो तो थोड़ा छोटा बनाया है। तो इस तरह से इसको भी फ्रेंड्स हम दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से दोनों तरफ से सेक लिया है टोस्ट करते हुए, और उसके बाद में इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर। ये भी हमारा बन करके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। दोनों तरह के पराठे हमने बना लिए हैं, आलू का पराठा भी और मटर का पराठा भी। तो दोनों पराठे हमारे बन चुके हैं, चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना करके रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अब इन पराठों को सर्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो चटनी बनाई थी कैरी की, मीठी वाली आम की मीठी चटनी, तो वो हम इसके कटोरी के अंदर सर्व करेंगे। पहले देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी है और कितनी टेस्टी, दिखने में ही दिख रही है तो खाने में तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर डाल दिए है आम की चटनी मीठी वाली, बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में फ्रेंड्स, मुझे तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो खाने के लिए चलते हैं हम फटाफट इसे सर्व करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पराठे बना करके रख दिए हैं, जिसके अंदर एक है मेथी मटर का पराठा और दूसरा है हमारा आलू का पराठा। तो फ्रेंड्स
चलिए बताती हूँ मैं आपको कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट पराठे हैं जो कि हम आटा लगा करके बनाते हैं, वो भी इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं जितने सॉफ्ट ये वाले पराठे हैं हमारे। ये हमारा देखिए आलू का पराठा जिसमें डॉट डॉट डॉट्स दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये आलू आलू है इसके अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों ही पराठे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं एक टेस्ट कर ही लेती हूँ कितना कैसा लगता है हमें। इसके साथ आप हरी मिर्च को सर्व कर सकते हैं फ्राई करके या विदाउट फ्राई किए। चलिए इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कैसा बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, तो फ्रेंड्स टेस्ट करने में कैसा लगता है, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। और आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी जिसमें ना आपको आटा लगाना पड़ा ना बेलना पड़ा और झटपट बनने वाली रेसिपी है हमारी जिसे हम इस चटनी के साथ सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी।